जय शनिदेव जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग स्वागत रही हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल में इसके अंदर हम जानेंगे 27 मई से लेकर के 2 जून तक कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, ये वीक कैसा जाएगा क्या इसमें होने वाला है ये सब बताऊंगी सो लेट गेट स्टार्ट हम अपने जीवन काल में जो करने का प्रयास कर रहे हैं ये एक क्रांति है जहां अब तक ज्योतिष को या अध्यात्म को धन से जोड़ करके लोगों की एक परसेप्शन बन गई है कि वो धन से जोड़ करके देखते हैं कि कथा होगी तो कथावाचक को लाखों रुपए देने पड़ेंगे कोई ज्योतिषी है तो उन्हें हजारों रुपए फीस देनी पड़ेगी तभी हम उनसे लाभ ले सकते हैं लेकिन हम अपने जीवन काल में सब कुछ निःशुल्क करने का प्रयास कर रहे हैं मैं निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली देखती हूँ निःशुल्क जो भी हमारे पास आते हैं उनका चेहरा पड़ के उनकी कुंडली बनाती हूँ आपको फल भी मंत्र सिद्ध करके देती हूँ नारियल भी मंत्र सिद्ध करके देती हूँ ताकि जब आप उसका प्रयोग करें तो आपको ये विश्वास हो कि प्रभु आज भी इस कलयुग में हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं उनके आशीर्वाद से बहुत से लोगों का काम होता है ये आपको अनुभव में आ सके और अध्यात्म कभी भी धन के उपन निर्भर नहीं है यही मैं अपने जीवन काल में आपको बताना चाहती हूं अब क्रांति आएगी तो परेशानियां भी होंगी विरोधी भी उठेंगे अधर्मी भी उठेंगे दुष्ट भी हमें परेशान करेंगे जिसके चलते जो लगभग दो तो साल से हम जो सिद्ध दरबार लगा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए निशुल्क उसमें बहुत सारे लोग जो आस पड़ोस के हैं अड़चने पैदा कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं प्रभु की कृपा ऐसी है भगवान शनि देव का ऐसा आशीर्वाद है हम अपने मरते दम तक रुकेंगे नहीं हम ऐसे ही आपकी सहायता कर रहे हैं और करते रहेंगे अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में सिद्ध दरबार को लगवाना चाहते हैं ताकि आपके वहां के जो लोग हैं उनका लाभ हो सके तो हमसे जरूर संपर्क करें या अगर आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहां बहुत सारे हजारों लोगों को बैठा करके उनके साथ वार्तालाप की जा सके उनका ज्योतिष के लिए द्वारा उनको मदद दी जा सके तो आप हमें जरूर बताइएगा राशि फल में जो बातें आपको बताई जाती हैं अगर कुछ नेगेटिव कहा जा रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान मत हुई क्योंकि ये जो है एक संभावना है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है अगर आप सतर्क हो जाएं क्योंकि आप पहले इस राशिफल को देख रहे हैं हम पहले ही आपको सतर्क कर रहे हैं तो तो हो जाएंगे सावधान हो जाएंगे तो इस मोमेंट को आप स्किप कर सकते हैं अपनी लाइफ से उसको हटा सकते हैं अपनी विल पावर से प्रभु की कृपा से गुरुदेव के आशीर्वाद से तो कुछ नेगेटिव है तो उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए और पॉजिटिव कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसका और ज्यादा लाभ उठाइए ताकि आप भरपूर उस समय को इंजॉय कर सके ये जो राशिफल है मैं आपको ज्योतिष की गणनाओं पर यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर बता रही हूँ और साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है जो भी आभार शक्ति है उसके द्वारा बताती हूँ ये कॉमन प्रिडिक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए इसमें मैसेजेस हैं तो आपका जो भी मैसेज है आप लीजिए बाकी को जाने दीजिए हो सकता है जिस डेट पे आप देख रहे हैं उसके आसपास ऐसी घटनाएं आपके साथ हो तो एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है बिकॉज हम एनर्जीज को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो अवश्य ही कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपके साथ मेल खाएगी मीन राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा इस हफ्ते की स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव होगी लेकिन आपके मन में कोई भय बना हुआ है वो बना रहेगा आप किसी चीज को लेकर के थोड़े डरे हुए हैं घबराए हुए हैं कुछ लोग पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे घर में बंद हो जाएंगे डर के मारे कहीं जाना नहीं चाहते किसी चीज से बचना चाहते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें कहीं भेजना चाहते वो जाना नहीं चाहते बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो रहे हैं आप जो खुद हैं आप भी किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन अवॉइड करने से बात बनेगी नहीं आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो है लेकिन फियर से ये जो हफ्ता है इसमें फियर जो है डर जो है बना रहेगा आपके धन संबंध की बात करें तो आप अपने आप को राजा से कम इस समय में नहीं समझेंगे आपको ऐसा लगेगा आप सब कुछ कर सकते हैं हमारे पास सब कुछ है सब मैनेज हो जाएगा अः तो हो सकता है कोई नया क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको मिला है या कोई नई ऐसी आपको कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा आपके पास आया है या कोई सैलरी अभी अभी आई है या कुछ स्पेशल आपके पास कुछ सेविंग्स हो गई है जिसे आप इन्वेस्ट इस समय

भाग्य जो है वो भाग्य आपका इस समय में रुक रुक के चलेगा थोड़ा सा चलेगा फिर रुक जाएगा फिर रुक रुक के चलेगा तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है सब कुछ भाग्य के भरोसे उसे मत करिए आप अपना पूरा प्लानिंग करके ही चलेगा इस समय में आप अपने बच्चों को पता नहीं क्यों प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये उनकी या तो कोई लड़ाई हुई है मतलब तो तो कहीं बच्चे डर रहे हैं जाने से पर आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं समझा रहे हैं बहुत ज्यादा काउंसलिंग कर रहे हैं और फिर उनको भेज भी रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस उनका मॉरल बढ़ा रहे हैं तो ऐसा कुछ लोगों के लिए विशेष दिख रहा है Uh, अगर किसी भी प्रकार से एरोबिक्स में डांसिंग में योगा से कनेक्टेड है बॉडी का मूवमेंट ज्यादा करते हैं uh, रील्स बनाते हैं शॉर्ट्स बनाते हैं जो डांसिंग ज्यादा है इस समय में वहां से पैसे आने की काफी चांसेस बढ़ जाएंगे हो सकता है आपको कोई वगैरह मिले अगर आप कोई इन्फ्लुन्सर है वो वहां काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार आज भी कलयुग में भगवान अपनी कृपा देने से कहीं पीछे नहीं हटते एक और भक्त के साथ चमत्कार हुआ है चलिए जानते हैं जय शनिदेव गुरु माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है मेरे जीवन में भी मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं घर छोड़ के चली जाती थी तो वो सारी समस्याएं ठीक हो गई और अब मेरे साथ सब कुछ बढ़िया है सब ठीक है दरबार भी बहुत अच्छा है गुरु माँ का और कोई फीस नहीं लगती है यहाँ पे निशुल्के है गुरुमा का दरबार गुरु बहुत अच्छी है सबका भला करती है इस समय में लोग आपकी काफी पहचान करेंगे जो भी आपका टैलेंट है आप उसको अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे फैशन इंडस्ट्री से संबंधित है तो भी आप कुछ अच्छा नया ड्रेस इस समय में अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं या अपने लिए ऐसा कोई लुक क्रिएट कर सकते हैं जो काफी लोगों को पसंद आएगा वायरल भी हो सकता है मतलब आपका टोटल जो लुक लग रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है इस समय में जो है आप अपनी फैमिली को काफी इंपॉर्टेंस देंगे फैमिली के साथ काफी समय स्पेंड करेंगे और अच्छा समय स्पेंड करेंगे इस समय में पैसे से संबंधित तो कोई राज आपके सामने खुल सकता है या तो आपके स्पाउस या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे थे तो वहां आपको कुछ पता चल सकता है आ, या अगर आप किसी से कुछ छुपा रहे थे तो सामने वाली पार्टी को पता चलता है कुछ पैसों से संबंधित कोई राज खुलता हुआ इस समय में दिखाई दे रहा है आ, अगर आप किसी प्रकार का पेंडेंट अपने गले में पहने हुए हैं तो वो पेंडेंट जो है वो टूट के गिर सकता है आ, अगर वो गोल्ड का है तो प्लीज बी केयरफुल आप उसको पहले से ही या तो घर पे संभाल के रख लीजिए या फिर उसको टाइटली ऐसे बांध के रखिए कि वो गिरे नहीं वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ आपकी बैलेंस में रहेगी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको काम भी इस समय में डेडलाइन भी किसी चीज की दी जाती है तो आप उसको इजीली मीट कर लेंगे इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा इस समय में आपके घर के घड़ियां थोड़ी ज्यादा खराब हो सकती हैं या बार बार उनका रुक जाना या उनका सेल जो है वीक हो जाना मतलब तो घड़ियों के रुकने की संभावना ज्यादा बन रही है अगर ऐसा है तो तुरंत उसको ठीक कराइएगा वो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि भाग्य आपका रुक रुक के चल रहा है तो वो उसको शो करेगा तो उसको आपको ठीक कराने की जरूरत है लव लाइफ की बात करें तो वहां भी कुछ डरे डरे से आप लग रहे हैं कोई बहुत ज्यादा खुल के एक दूसरे के साथ मुलाकात होती नहीं दिखाई दे रही है और फैमिली लाइफ तो अच्छा ही है आप सभी को आशीर्वाद देते हैं यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए ईश्वर आपके कष्टों में आपको बहुत सारा आराम दे ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं जय शनिदेव जय श्री कृष्ण